IPL है एक कैश रिच गेम। IPL हम दर्शकों के साथ साथ क्रिकेटर सब भी बहुत पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ मिलता है बहुत सारा पैसा, लेकिन IPL में सर्वाइव करना भी बहुत टफ हो जाता है कभी कभार। आज मैं ऐसे ही कुछ IPL प्लेयर्स के नाम यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ जो अपने दिनों में बहुत पॉपुलर रहे हैं लेकिन अभी गुमनामी के अंधेरे में चले गए हैं। बने रहिए रहस्य लाइव में, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। दोस्तों इससे पहले मैंने और दो वीडियो बनाए थे फॉरगॉटन प्लेयर्स के लिस्ट में, आप वो दो वीडियो डिस्क्रिप्शन या ऊपर आई बटन से चेक कर सकते हैं। तो आज के लिस्ट में पहले नंबर पे आता है मनप्रीत गोनी। IPL के पहले एडिशन से मनप्रीत गोनी खेलते हुए आ रहे हैं और तब थे चेन्नई सुपर किंग्स में। धोनी का बहुत पसंदीदा प्लेयर था गोनी। पहले साल ही वो 17 विकेट चटकाए थे और उसका औसत था 7.38। बाद में 2013 साल तक वो IPL खेले, बहुत सारे विकेट लिए थे, उनका बॉलिंग एवरेज भी ठीक ठाक था, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे फ्रेंचाइजी वाले के नजर से दूर हटते गए और अभी वो ज्यादातर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं लेकिन वहाँ पर भी ज्यादा सफल नहीं। दूसरे नंबर पे आते हैं स्वप्निल अश्नोतकर। स्वप्निल पहले IPL से ही खेलते हुए आ रहे हैं। पहले IPL में थे राजस्थान रॉयल्स पे, ये थे एक विकेट कीपर बैट्समैन। पहले सीजन में 311 रन किए थे और स्ट्राइक रेट थे 133। बाद में और 3 साल खेले थे वो IPL। बहुत सारे मैच ऐसे थे कि उन्होंने अपने अकेले दम पर मैच जीता था, लेकिन धीरे धीरे उसका परफॉर्मेंस घटता गया और अभी वो IPL के किसी भी टीम में नहीं जगा पा रहे हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं परविंदर अवाना। 2012 साल में किंग्स इलेवन पंजाब से खेले थे परविंदर अवाना। वो सीजन इनका डेब्यू सीजन था, 17 विकेट चटकाए थे सिर्फ 12 मैच में। उसके बाद से हर IPL में वो रेगुलर बॉलर रह चुके थे, लेकिन 2016 साल से उसे कोई भी टीम नहीं मिल रहा है। इस बीच उन्होंने इंडियन टीम में भी बॉलिंग किए थे, उनके खेल में कंसिस्टेंसी ना होने के कारण उसे अभी कोई टीम नहीं मिल रहा है। इसके बाद आता है कमरान खान। इस लिस्ट में कमरान खान अकेला एक प्लेयर है जो अभी बहुत खराब हालत में। कमरान खान को कोई भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का एक्सपीरियंस नहीं था। 2009 साल में राजस्थान रॉयल में एंट्री मिला। 140 किलोमीटर पर आवर स्पीड पे बॉलिंग करने वाला उसी समय में कुछ गिने चुने भारतीयों में ये एक था। पहला सीजन बहुत अच्छा गया था। 2011 साल में पुणे वॉरियर्स ने कमरान को पिक किया, लेकिन एक ही गेम खेल पाए वो। उसके बाद 2012 साल से वे IPL और क्रिकेट से बाहर ही है। अभी वो क्या कर रहे हैं? अभी वो खेती बाड़ी कर रहे हैं अपना घर चलाने के लिए। उनका पुश्तैनी खेत है, उसी का ही जिम्मा अभी कमरान के ऊपर है। इसके बाद आते हैं इकबाल अब्दुल्ला। स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर थे इकबाल अब्दुल्ला। 2008 साल से 2013 साल तक कोलकाता नाइट राइडर्स में खेल चुके थे और ये रेगुलर बॉलर रह चुके थे KKR के। 2012 साल में KKR जब फाइनल मैच जीते वहाँ पर इकबाल अब्दुल्ला का बॉलिंग देखने लायक था। इसके बाद 2014 साल में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेले, लेकिन वहाँ पर उन्हें ज्यादा चांस नहीं मिला। 2015 से लेकर 2017 साल तक RCB की ओर से खेले थे, लेकिन उन्हें बॉलिंग करने का ज्यादा मौका नहीं मिला। 2018 साल से उसे कोई टीम नहीं मिल रहा है और वो अभी IPL से दूर ही चले गए हैं। वो अभी जीत और कोशिश कर रहे हैं अपने वापसी के लिए। तो दोस्तों इनमें से किसके बाद आपको बहुत शॉकिंग लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। दोस्तों मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके कमेंट का।